कथित टेंडर घोटाले में ईडी की गिरफ्त में आए मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड की अवधि गुरुवार को समाप्त हो गई। उसके बाद ईडी ने उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से मंत्री आलमगीर आलम को बिरसा मुंडा जेल भेजने की अनुमति मांगी। इसकी कोर्ट ने इजाजत दी। उसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच होटवार जेल भेज दिया गया। जुडिशियल कस्टडी के लिए लोग प्रेयर था, कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी अलाउ कर दिया है। आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जा रहा है। 14 दिन का रिमांड जो था वो भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग कहा था कि जो मेडिकल एड जो मिल रहा है बहुत ज़रूरी है उनके लाइफ को देखते हुए, एज को देखते हुए, तो कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया है। और जेल सुपरिटेंडेंट को डायरेक्शन है कि मेडिकल एड इनको मिले, और मेडिकल एड के अलावा जो एज पर वो MLA हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी उनको जेल मैनुअल के हिसाब से जो फैसिलिटी मिलना चाहिए उसके लिए डायरेक्शन है। मतलब अलग सेल में रखा जाएगा और मंत्री को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए तमाम वो जेल मैनुअल के हिसाब से सारा कुछ, वो जेल सुपरिटेंडेंट को डायरेक्शन है, जो जेल मैनुअल में कहेगा उस हिसाब से होगा। अच्छा, 14 दिनों में क्या कुछ इनपुट्स निकला पूछताछ में, ये बताया गया ईडी की तरफ से? वो ज्यादा कुछ उसमें दिया गया नहीं है, उसमें खाली ब्रेकअप दिया गया कि इतना इतना तारीख का हम लोग रिमांड लिए हैं, पूछताछ किए हैं, अभी उसमें कुछ नहीं। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट आएगा तो देखा जाएगा उसमें क्या रहा है, अभी उसमें कुछ नहीं है। संलिप्तता की बात भी कही गई किसी की? उसका कोई एविडेंशरी वैल्यू उसका कहीं कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। हाँ, मेडिकल का हम लोग दे दिए हैं, मेडिकल का तो शुरू से दिए हुए हैं। इन लोग भी जो टेस्ट कराए उसमें भी आ गया है, हाई BP उनके यहाँ डेली आ रहा है, जब भी डॉक्टर आए हैं देख के गए हैं, इन लोग भी दिए हैं, तो इसी के लाइट में वो दिया गया है। मेडिकल एड उनको मिलेगा जेल में। हाँ, कड़ी एक जुड़ रहा था संजीव लाल का और जहांगीर आलम, कोई कड़ी नहीं जुड़ रहा। और ये कहा भी गया था जहांगीर आलम ने स्वीकार किया है कि पैसे संजीव लाल ने, नहीं 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 वैसा स्वीकार किया कि मंत्री के पैसे थे, वैसा कुछ नहीं है। एज ऑन डेट वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें निकल कर सामने आई थी। नहीं नहीं, वो सब बातें हैं, खाली वो सब बातें हैं, उस सब में कहीं कुछ एविडेंस नहीं है। कुछ है ही नहीं तो हम लोग कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। जितना हम लोग को कॉपरेट करना था पूरी तरीके से कॉपरेट किए, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया सारा डॉक्यूमेंट हम लोग दे दिए, हम लोग की तरफ से कोई लैचेस नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।